नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फिटनेस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यूरिन पास करते समय जो तेज दर्द महसूस होता है वह इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि शरीर के अंदर मिनरल्स की मात्रा अधिक हो गई है और लिक्विड कम मात्रा में पिया जा रहा है। इसी असंतुलन के कारण ही कंकड़ों के आकार की किडनी की पथरी अस्तित्व में आ रही है। किडनी स्टोन्स भूरे अथवा पीले रंग के हो सकते हैं अथवा खुरदरे या फिर चिकने भी हो सकते हैं। पथरी के लक्षण पेशाब करते समय ही जाने जा सकते हैं। जब तक पथरी अपने स्थान से हटकर मूवमेंट नहीं करने लगता है, तब तक मरीज को यह पता नहीं चलता है कि उसके गुर्दी आदि में कोई पथरी जमा हो रही है। पथरी किडनी के अंदर मूवमेंट कर सकती है या फिर यूरेटर में अथवा किडनी गॉल ब्लैडर को कनेक्ट करने वाली ट्यूब में मूवमेंट कर सकती है। कई मरीजों में किडनी स्टोन्स पथरी के लक्षण विभिन्न तरह से प्रकट होते हैं। तो आज हम इस वीडियो के जरिए आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि हमारी किडनी में यदि पथरी बन जाती है तो इसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। अधिकतर समय तीव्र दर्द कमर की साइड में पसलियों के नीचे होता रहता है। पेड़ प्रदेश अथवा प्रजनन अंगों के आसपास तीव्र दर्द होता रहता है। दर्द की इस तीव्रता में कमी अथवा बढ़ोतरी होती रहती है। यह स्थिति अक्सर आती जाती रहती है। यूरिन पास करने की इच्छा पहले से कई गुना अधिक बढ़ जाती है। मरीज को दर्द तब होता है जब स्टोन एक से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होता रहता है। स्टोन्स किडनी से या फिर जिस अंग में भी स्टोन्स हो वहाँ से निकलकर यूरेटर से होता हुआ ब्लैडर के मुहाने तक पहुंच गया है। जब यह स्थिति बनती है तो यूरिन पास करते समय जलन का भी एहसास होने लगता है। यदि स्टोन छोटा है तो यह कई बार टॉयलेट में भी पास हो जाता है, इसलिए कुछ को टॉयलेट में स्टोन पास होता हुआ भी दिखाई दे जाता है। आप इस बारे में भले ही कुछ भी सोचते हो, लेकिन स्टोन्स के साइज से दर्द की तीव्रता का कोई भी संबंध नहीं होता है। कई बार यह भी देखा गया है कि बड़े स्टोन्स के मुकाबले छोटे स्टोन्स अधिक पीड़ादायक साबित हो सकते हैं। स्टोन हो जाने पर दर्द होने के अलावा किडनी स्टोन्स की वजह से यूरिन का रंग भूरा, गुलाबी, लाल या फिर ब्राउन रंग का भी हो सकता है। यूरिन के अंदर बहुत गंदी बदबू आने लगती है। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि आपको स्टोन की प्रॉब्लम हो गई है। कई बार इन्फेक्शन की वजह से बुखार और कपकपी आती है। आपका बार बार यह मन करता है कि आपको यूरिन पास करना है, लेकिन यूरिन पास करते समय कम ही मात्रा में यूरिन निकलता है। ये सभी लक्षण होते हैं कि आपकी किडनी में या फिर आपके शरीर में पथरी का निर्माण हो चुका है। कई बार पथरी की समस्या के कारण कई गंभीर लक्षण भी सामने आते हैं, जैसे कि आपके पेट में दर्द हो रहा हो और दर्द के कारण उल्टियां भी हो रही हो। किडनी स्टोन्स के कारण तेज दर्द के समय बुखार और जुखाम भी हो सकता है। यूरिन में से रक्त जैसा पदार्थ आने लगता है और यूरिन पास करते समय बहुत ही मुश्किल होने लगती है। यदि स्टोन्स किडनी और ब्लैडर को जोड़ने वाले ट्यूब में आकर फंस जाए और मूत्र की निकासी को ब्लॉक कर दे तो दर्द बहुत ही बुरा होता है। कई बार स्टोन्स पास भी हो जाता है लेकिन फिर भी दर्द बना रहता है। अधिकांश मामलों में इससे कोई स्थायी नुकसान तो नहीं होता है। पथरी जल्दी से निकल जाए इसके लिए डॉक्टर मरीज को कई तरह की दवाइयाँ देते रहते हैं, लेकिन फिर भी कई रोगियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे में आप कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे अपना सकते हैं जो कि आपकी पथरी को जड़ से समाप्त कर सकता है। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यदि आपके शरीर में पथरी है तो आप चूने का सेवन कभी भी ना करें। काफी लोग इसे पानी में डालकर खा लेते हैं, क्योंकि पथरी होने का मुख्य कारण आपके शरीर में अधिक मात्रा में कैल्शियम का जमा होना होता है। इसका मतलब यह है कि जिनके शरीर में पथरी हुई है उनके शरीर में जरूरत से अधिक मात्रा में कैल्शियम है, लेकिन वो शरीर में पच नहीं रहा है। इसीलिए आपको चूना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चूने के अंदर अधिक मात्रा में कैल्शियम होती है जो कि आपके शरीर में पथरी बना सकता है। और वैसे भी आपको चूना अधिक मात्रा में कभी भी नहीं लेना चाहिए। किडनी की पथरी को हटाने का सबसे बेहतरीन और रामबाण नुस्खा होता है पकान बेद के जूस का सेवन करना, जिसे कि अक्सर पत्थरचट भी कहा जाता है। पथरी की समस्या से निपटान करने के लिए आपको 10 पत्थरचट के पत्तों को 1 से 1.5 गिलास पानी के अंदर उबाल लीजिए और उसका काढ़ा तैयार कर लीजिए। मात्र 7 से 15 दिनों के अंदर इस काढ़े का सेवन करने से आपकी पूरी पथरी खत्म हो जाती है, और कई बार तो यह नुस्खा इससे जल्दी भी आपकी पथरी को समाप्त कर देता है। आप पत्थरचट के पत्तों को दिन में 3 बार सीधे सीधे पत्तों के रूप में भी सेवन कर सकते हैं। अक्सर पित्त के थैले में पथरी हो जाती है या तो मूत्र पिंड में हो जाती है,
नहीं तो फिर किडनी के अंदर। पथरी को निकालने के लिए एक बहुत ही अच्छी दवा होती है जिसे शायद हम जानते ही हैं और वो होता है सेब का रस। सेब का रस एक अच्छी दवा होती है। एक कप सेब का रस आपको रोजाना सवेरे खाली पेट पीना होता है और आप जब भी सेब का रस निकालेंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको छिलका नहीं निकालना है, आपको छिलके समेत ही जूस तैयार करना होता है क्योंकि सेब की सारी ताकत छिलके के अंदर ही होती है। यदि आप छिलका उतार दोगे तो सारा सेब बेकार है और आपको इससे कोई फायदा प्राप्त नहीं होगा। यदि आप सेब के जूस का सेवन नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करीब 3 से 4 सेब को रोजाना सुबह के समय सेवन करना चाहिए और इसे आपको सुबह के समय चबा चबा कर खाना चाहिए। सेब के रस का यह नुस्खा थोड़ा लंबे समय के बाद आपको आराम देता है, यानी करीब 5 से 6 महीने के बाद इसके रिजल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यदि आप पत्थरचट के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको करीब 15 दिनों के अंदर ही रिजल्ट प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इस नुस्खे का पालन करते हुए पथरी की समस्या से निजात प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आपको हमारी ये छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक अवश्य करें और इस जानकारी को अपने मित्रों और सगे संबंधियों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।